तो ये हमारी नोटन वाली गाड़ी और ये हमारा नया ग्रेड का मटेरियल वाला दाना है। ये जो डस्ट जो प्लास्टिक रहते हैं उनको जो रिसाइकल किया जाता है ये वो दाना है। तो ये हमारा पायलट लोड हो गया है, ये देख लीजिए सारा का सारा पायलट लोड हो गया। और हाइट देख लीजिए कितना हुआ है, कितनी मतलब जितनी बड़ी गाड़ी नहीं है ना उससे ज़्यादा तो पायलट का ही ज़्यादा लोड हो गया है। तो ये हमारी नोटन वाली गाड़ी जा चुकी है और ये भी गाड़ी अब निकल रही। तो ये हमारी 18 टन वाली गाड़ी देख सकते हैं, इसका लोडिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो इधर हमारा 18 टन का लोडिंग कंप्लीट हो गया है, गाड़ी का कागज़ भी आ गया है। बस ड्राइवर साहब त्रिपाल से गाड़ी को बांध लेंगे, उसके बाद गाड़ी को कागज़ देके गाड़ी को छोड़ देंगे हम लोग। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से हम अपने ऑफिस आ चुके हैं और आज ना एक ये जो गाड़ी आपको पीछे दिख रही है ये नॉर्टन मटेरियल लेके आई हुई है, नया ग्रेड का मटेरियल है। दाना ही है लेकिन नया ग्रेड का मटेरियल है, तो इसको हम लोगों को खाली करना है। और ये जो पीछे हमारे जो ट्रक दिख रही है इसमें 18 टन हम लोगों को पाउडर लोड करना है। अभी तक तो सुबह अभी इतना ही प्लान है, देखते हैं अभी पूरा दिन बाकी है, अभी और कोई भी गाड़ी आ सकती है लोडिंग के लिए। तो और ना कल तो आपको पता ही है कल कितना कम हुआ था, वैसे एक 25 टन का, 16 टन का और एक 8 टन का लोडिंग हुआ था, उसके बाद कोई प्लान आया नहीं था। तो अभी तक हमारे पास भी आज का इतना ही प्लान है, उसके बाद अभी कोई प्लान है नहीं। और कल भी ऑफिस बंद रहेगा तो मुझे लगता है ना कि आज थोड़ा काम ज़्यादा होगा, देखते हैं क्या होगा। तो अभी जस्ट लेबर लोग आया है, अभी लेबर थोड़ा आराम करेगा, उसके बाद ना सबसे पहले इस गाड़ी का हम लोग पहले अनलोडिंग स्टार्ट करेंगे। उस ये गाड़ी जैसे ही अनलोडिंग इसका कंप्लीट होगा उसके बाद ये वाली गाड़ी को लोडिंग पॉइंट पर लगा के इसमें लोड देंगे। तो चलते हैं, जैसे ही लेबर लोग इसका अनलोडिंग स्टार्ट करता है आपको इसका पहले अनलोडिंग दिखाते हैं, उसके बाद इसका आपको लोडिंग दिखाएंगे। और यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। यार आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हमारी नोटन वाली गाड़ी जो अनलोडिंग होने के लिए आई हुई है, तो इसको हम लोग अनलोडिंग पॉइंट पर लगवा दिया है अनलोडिंग के लिए। और ये ना हमारा नया मटेरियल है, एकदम नया ग्रेड का मटेरियल है। और इसमें पता है आपको ये दाना देख लीजिए, ये इसमें ये दाना है, ये रिसाइकल दाना है। जो प्लास्टिक के कचड़े होते हैं ना डस्ट, उनको रिसाइकिल करके ऐसा दाना बनाया जाता है, इनसे भी कुछ बनाया ही जाता होगा। तो ये अभी तक ना अगर आप मेरे प्रॉपर डेली फ्लो ब्लॉग्स फॉलो करते होंगे तो मेरे यहाँ ये ऐसा दाना ना पहली बार आया हुआ है। मेरे यहाँ रेजिन और दाना अलग अलग का था, वो सफ़ेद होता है, एकदम वाइट होता है। और ये सब सारे ना आउट ऑफ कंट्री से आते हैं मेरे, जो भी प्लास्टिक दाना है और रेजिन है, लेकिन ये ना इंडिया में ही आया हुआ है। तो लेबर लोग अभी नाश्ता कर रहा है, जैसे नाश्ता कंप्लीट करेगा अपना उसके बाद चल के इसको जल्दी से मटेरियल को अनलोड करेंगे, उसके बाद 18 टन वाली गाड़ी को यहीं पे लगा के उसका लोडिंग स्टार्ट करेंगे। उसको जो हमारी 9 टन वाली गाड़ी आई थी ना खाली होने के लिए, उसका अनलोडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि उसका कागज़ कम्प्लीट नहीं है। उसका जो कांटा जो गाड़ी का वेट होता है मटेरियल के साथ और खाली, वो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ड्राइवर के पास, ना ही जो मटेरियल का डॉक्यूमेंट्स वो भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए अभी सर का फ़ोन आया था हमारे कि अभी अनलोडिंग रोक दो, तो हमने अभी अनलोडिंग रोक दिया हुआ है। और जो हमारी जो स्क्रैप रहता है, हमारा पायलट होता है, जो प्लास्टिक रहता है जो कंटेनर में खाली होने पर जो प्लास्टिक मिलता है पैक रहता है, तो उसको लेने के लिए ना गाड़ी आ चुकी है। वो स्क्रैप किस हम लोग किसी को बेच देते हैं, वो लेने के लिए दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है। तो अभी फिलहाल हम लोग उस गाड़ी में अपना स्क्रैप लोडिंग करा रहे हैं, जैसे ही उसके बाद सर लोग बोल देंगे कि इस गाड़ी का अनलोडिंग स्टार्ट कर दो तो उसका हम लोग अनलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं, पहले उस गाड़ी में अपना स्क्रैप लोड कराते हैं, उसके बाद फिर इसका अनलोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सारा पायलट जो अभी आगे जा रहा है, वो देखिए लेबर लेके जा रहा है। तो ये सारा का सारा पायलट, वो प्लास्टिक वाला पायलट छोड़ के सारा का सारा पायलट गाड़ी में लोड होगा। Thank you.
तो ये हमारी नोटर वाली गाड़ी जा चुकी है और ये भी गाड़ी अब निकल रही है। देख लीजिए इसका हाइट कितना हुआ है। जैसे ही ये गाड़ी हावड़ा में घुसेगी ना, इसका तो पक्का पुलिस वाला पकड़ के चलान कटेगा ही कटेगा। ये और भी पहले भी मटेरियल लेके जाते थे, लेकिन ना हर बार से नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा हाइट हो गया है गाड़ी का। देख सकते हैं जितनी बड़ी गाड़ी नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा तो मतलब हाइट हो गया है गाड़ी मटेरियल का। तो जा रहा है भाई, देखते हैं कैसे पहुँचता है। पहुँचेगा तो ज़रूर फ़ोन करेगा मुझको। तो चलते हैं अब हम लोग लंच करने। तो हमारी नॉटन वाली और जो स्क्रैप जो पायलट लेके गया है गाड़ी वाला, दोनों गाड़ियाँ जा चुकी हैं और लंच भी हो चुका है। सब लोग लंच कर लिया, मैं लंच नहीं किया हूँ आज। पेट में हल्का हल्का सा दर्द है तो आज लंच करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो जैसे ही लंच कंप्लीट कर लेंगे सब लोग, थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद ना एक 4 टन की गाड़ी आई हुई है और जो सुबह 18 टन वाली गाड़ी थी उसका तो है ही है। तो वो दुर्गापुर वाला का पता ना क्या चलता है, उसका ना 18 टन वाला जो गाड़ी आई हुई है वो दुर्गापुर का है, उसका पता ना क्या चलता है। हर वो प्रॉपर हमारा क्लाइंट है, वो हर बार मटेरियल लेके जाता है, लेकिन ना उसका लोड हमेशा शाम को ही होता है, पता ना क्या चलता रहता है। तो वो तो शाम को होगा, अभी तक कोई प्लान नहीं आया उस गाड़ी के लोडिंग के लिए। और ये जो 4 टन वाली गाड़ी आई हुई है जो हम लोग बोल रहे थे, तो उसका प्लान आ गया है। अब लेबर लोग थोड़ा आराम आराम कर ले, उसके बाद उस गाड़ी को लगा के लोडिंग को कंप्लीट करें। तो हमारा इस गाड़ी में 4 टन मटेरियल लोड हो गया है, देख सकते हैं गाड़ी रेडी है जाने के लिए। कागज़ भी आ गया है, ड्राइवर गए हैं ऑफिस में कागज़ लेने के लिए, कागज़ लेके अपना फिर गाड़ी लेके चले जाएंगे। तो फाइनली हमारा ना 18 टन वाली गाड़ी जो दुर्गापुर वाली थी उसका लोडिंग का प्लान आ गया है और गाड़ी को ना लोडिंग पॉइंट पर लगवा भी दिया है। तो चलते हैं जल्दी से गाड़ी में मटेरियल लोड करवाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो ये हमारी 18 टन वाली गाड़ी, देख सकते हैं इसका लोडिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो इधर हमारा 18 टन का लोडिंग कंप्लीट हो गया है, गाड़ी का कागज़ भी आ गया है। बस ड्राइवर साहब त्रिपाल से गाड़ी को बांध लेंगे, उसके बाद गाड़ी को कागज़ देके गाड़ी को छोड़ देंगे हम लोग। तो शाम के 6 बज चुके हैं और अब टाइम हो चुका है हम लोगों का घर जाने का। आज कुछ भी कहे तो ओवरऑल 2-3 दिनों में काम बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। नहीं तो आपको पता ही, अगर मेरे प्रॉपर ब्लॉग आप फॉलो करते होंगे कि काम कितना डाउन चल रहा था हम लोगों का। बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे थे, बस 2-3 गाड़ियाँ लोडिंग के लिए आ रही थी। तो पिछले 2-3 दिनों में कुछ भी कहो तो काम बढ़ा हुआ है हम लोगों का। आज भी एक 18 टन का लोडिंग हुआ, एक 9 टन का लोडिंग हुआ है, सॉरी 9 टन का अनलोड हुआ, एक 4 टन का लोडिंग हुआ है और पायलट वाला भी आ गया था आज। तो कुछ भी ओवरऑल तो आज काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। कैसे कैसे आज पूरा दिन बीत गया पता भी नहीं चला हम लोगों को। तो कल तो हमारा कल है गणतंत्र दिवस, कल ऑफिस हमारा बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का घर भी दूर दूर है तो हम लोगों को आने जाने में टाइम लगेगा। तो कल तो हमारा ऑफिस बंद रहेगा और हम आपसे मिलेंगे फिर परसों एक नए ब्लॉग में। तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो चलते हैं, मिलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर परसों एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।